राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन से जुड़े सभी एस्पिरेंट को दिशा क्लासेस की तरफ से हमारा नमस्कार। तो आरपीएससी ग्रेड वन और ग्रेड टू के एग्ज़ाम की जो डेट एक्सटेंड होने की बात चल रही है, फॉर्म रीओपन होने की बात चल रही है, उसको लेके एक छोटा सा वीडियो बनाया गया है। अगर आप दिशा क्लासेज पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन जरूर दबाएँ ताकि आगामी वीडियो का नोटिफिकेशन है वो सबसे पहले आपको प्राप्त हो सके। अब हम बात कर रहे हैं, पॉइंट वाइज बात करते हैं, जो कमेंट सेक्शन में सर्वाधिक बार सवाल पूछे गए उनकी, कि अगर फॉरम रीओपन होते हैं तो परीक्षा की तिथि भी बढ़ेगी। कारण क्या है? जैसा कि आपको पता चल ही गया होगा, कल सचिवालय में जो घटना घटित हुई उस घटना के अनुसार जो अभ्यर्थियों ने वहाँ आवेदन किया कि आप फॉरम अगर रीओपन भी करते हैं तो डेट एक्सटेंड ना किया जाए, जो बिल्कुल अव्यवहारिक है, क्योंकि फॉर्म अगर रीओपन होंगे तो डेफिनेटली परीक्षा की तिथि को बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि मिनिमम तैयारी के लिए सभी को टाइम देना होता है। स्कूल लेक्चरर के लिए 60 डेज एक्सपेक्टेड है जो मिनिमम तैयारी है, प्लस 15 दिन के करीब, 2 सप्ताह के करीब है वो फॉर्म रीओपन होंगे, तो लगभग ये परीक्षा 75 डेज ऑटोमेटिक एक्सटेंड हो जाएगी। अगर इस तरह की कोई डिमांड भी रखी गई है तो वो अव्यवहारिक है, या तो आरपीएससी खुद इतनी समय अवधि प्रदान कर देगी, अगर आरपीएससी ऐसा नहीं करती तो माननीय न्यायालय के हस्तक्षेप द्वारा भी ये इजीली हो जाएगा। पूर्व की भर्ती परीक्षाओं में भी काफ़ी बार ऐसा हो चुका है। अभ्यर्थियों के अलग अलग समूह दुविधा पैदा कर रहे हैं, एकता का स्पष्ट अभाव दिखाई दे रहा है। अभ्यर्थियों का एक समूह पूर्वी राजस्थान में, कोई दक्षिणी राजस्थान में, कोई जयपुर, कोई जोधपुर, अलग अलग जो धरने प्रदर्शन कर रहे हैं उसकी वजह से जायज जगह तक ये बात ही नहीं पहुँच पा रही है। जहाँ तक संभावना व्यक्त की जा रही है, माननीय मुख्यमंत्री जी के संज्ञान में अभी तक ये मामला भी नहीं आया, हालांकि धरना प्रदर्शन काफ़ी स्थानों पर प्रारंभ हो गए। तो इसके लिए अभ्यर्थियों को सबको एक साथ आना होगा ताकि बड़ी संख्या में अपनी उपस्थिति दर्ज करा के मीडिया का ध्यान केंद्रित कर सके और सरकार तक अपनी बात पहुंचा सके। परीक्षा की तिथि आगे बढ़ना सभी के हित में। कारण क्या है कि जो नए एस्पिरेंट आएंगे वो मिनिमम टाइम लेंगे, उनको भी टाइम देना होगा। साथ ही दो वर्ग और हैं जो बीएड परीक्षा में सेकंड ईयर में लास्ट में है या एमए फाइनल के रिजल्ट को अवेटेड है, और जिसमें कंडीशन है कि अगर इन दोनों के रिजल्ट डिक्लेयर, पेपर कंप्लीट होकर रिजल्ट डिक्लेयर नहीं होता तो आप एलिजिबल नहीं होंगे। तो ये बड़ी संख्या में अभ्यर्थी हैं, इनको भी फ़ायदा होगा। जिनको 2 साल का बेनिफिट मिलेगा एज में, डेफिनेटली उनको फ़ायदा होगा, क्योंकि उनका तो ये लास्ट एग्जाम है। और बेसिकली जो बात चल रही है आज मीडिया में भी आपने देखा होगा कि आगामी भर्तियों में कोरोना का सर्वाधिक इफेक्ट वाली अगर किसी भर्ती को गिना जाएगा तो इसी भर्ती को गिना जाएगा, क्योंकि ये जस्ट कोरोना के बाद में संपन्न हो रही है, इसलिए कोरोना का सर्वाधिक प्रभाव है वो इसी भर्ती पे है। तो कोरोना का 2 साल का बेनिफिट है जो वो इसी भर्ती पे दिया जाएगा। आप उस मीडिया बाइट की तरफ ध्यान ना दें, वो किसी का निजी वक्तव्य भी हो सकता है, निजी खोज भी हो सकती है उसमें। क्या सीटों की भी संख्या बढ़ेगी, एक चौथा सवाल है जो कमेंट सेक्शन में बार बार पूछा जा रहा है। तो मेरा इसमें आपको मेरी समझ से डायरेक्ट जवाब है, नहीं। किसी भी रूप में री एडवर्टाइजमेंट नहीं हो रही है, फॉर्म जस्ट रीओपन हो रहे हैं फॉर द कंडीशन ऑफ दोज कैंडिडेट, उन कैंडिडेट्स के लिए जिनको बीएड सेकंड ईयर में या तो अब रिजल्ट आ गया है या एमबी फाइनल का रिजल्ट आ गया है, या जिनको 2 साल कंप्लीट हो गए हैं। ये सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए, नंबर ऑफ पोस्ट नहीं बढ़ेगी। नंबर ऑफ पोस्ट है वो नेक्स्ट रिक्रूटमेंट के लिए भी बची हुई है, वो तभी आएगी, क्योंकि इसमें क्या है कि कार्मिक विभाग जितने पदों के लिए अनुशंसा भेजता है आरपीएससी उतने ही पदों के लिए भर्ती करती है, उसमें नए पद आरपीएससी अपने विवेक से या परिस्थितियों से नहीं जोड़ सकती। हाँ, अप्लाई करने वालों की संख्या कम ज़्यादा आरपीएससी जरूर कर सकती है, तो ये उसी संदर्भ में चल रही है। तो आप धैर्य बनाए रखें, ये परीक्षा डेफिनेटली पोस्टपोन्ड होगी। आप चैनल से जुड़े रहें, जैसे ही कोई सूचना प्राप्त होगी हम आपके साथ शेयर करेंगे। फिर भी अगर आपकी कोई क्वेरीज पेंडिंग रह जाती है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, हम आपको जवाब देने की पूरी पूरी कोशिश करेंगे। वीडियो में अंत तक जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।